फातेपुर से मोहम्मद एहतेशाम पप्पू की रिपोर्ट। वैशाली फातेपुर प्रखंड क्षेत्र के मौदय बुजुर्ग गांव में विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रखंड उप मुखिया संघ की बैठक संघ के अध्यक्ष द्वारिक चौधरी के अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उप मुखिया के अधिकार के साथ साथ पंचायती राज व्यवस्था में किए जाने वाले कार्यों समेत विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक का संचालन उप मुखिया गीता देवी ने किया। प्रखंड क्षेत्र के मौदय बुजुर्ग गांव में प्रखंड उप मुखिया संघ की बैठक की अध्यक्षता कर रहे संघ के अध्यक्ष द्वारिक चौधरी ने उपस्थित उप मुखियाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में उप मुखियाओं का कहीं मान सम्मान नहीं किया जा रहा है। संघ ने विचार किया है कि MLC चुनाव में जो पार्टी या दल उप मुखिया को मान सम्मान देंगे संघ उसी पार्टी के साथ रहेगा। बैठक में उपस्थित दर्जनों उप मुखिया ने आरोप लगाया कि प्रखंड के मुखिया मनमानी करते हैं, साथ ही नलजल योजना के क्रियान्वयन में सभी उप मुखिया की जिम्मेदारी के साथ सहभागिता सुनिश्चित कराने पर जोर दिया गया। बैठक में उपस्थित उप मुखिया ने CDPO द्वारा पोषाहार वितरण में मनमानी किए जाने तथा जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने को लेकर रोष जताया। बैठक के बाद सभी उप मुखिया ने CDPO के विरोध में जमकर नारेबाजी की। बैठक में उप मुखिया सुजाता देवी, संगीता देवी, शकिला देवी, सुंदेश्वर राय, अमोद कुमार साह, शिवचंद्र कुमार राय, राजू कुमार, नवल सहनी, शेखा देवी, विभा देवी, मुकेश सिंह, अवधेश कुमार, विजय कुमार राय समेत प्रखंड क्षेत्र के सभी उप मुखिया उपस्थित थे। पंचायत में जो मुखिया जी लोग हैं वो